हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे अफगानिस्तानीज इंडियंस को ट्रीट करते हैं जब इंडियंस जाते हैं अफगानिस्तान में। हमने कई वीडियोस किए हैं एंड अमेजिंग है, हर जगह पे आपको दिखेगा, चाहे वो अफगानिस्तानी हो, चाहे अफगानिस्तान के एक्चुअल तालिबान हो, वो तक इतना मतलब प्यार से, जैसे उन्हें पता चलता है कि इंडियन हो, उनका तो मतलब एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है, इतना प्यार वो दिखाते हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा तो हैरान होती हूँ तालिबान, जो मैंने एक वीडियो भी देखी थी उसमें तो भैया मैं तो हैरान होगी जिस तरह से तालिबान कर रहा था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वो यही है हिंदुस्तानी भाई जान हो गया, हमारा मान हो, हमारा मान हो। अच्छी जगह और अच्छी लोग हैं जगह, और लोग भी अच्छे, लोग भी अच्छे, और अफगानिस्तान के लोग बड़ा प्यार करते हैं इंडिया से। दोस्त है, बहुत बहुत पुरानी दोस्त है, बहुत पुरानी, बहुत पुरानी दोस्त, ये दोस्त नहीं तोड़ेंगे। अरे वो वो So welcome back to the channel, guys. Once again, Travel Sampranav reporting live from Mazar-e-Sharif, Afghanistan. Bhai, badiya city hai. Kafi time se main ye city mein aana chahta tha. To finally wo mauka bhi mujhe mil gaya. Kafi achhi city hai and mere saath hai. Sundar bana hai. Kitna sundar. Munir and of course isko to aapke saath hi ghoom rahe na. Zaid तो मुनीर के घर पर हम रुके, कल रात को हम आ गए, काफ़ी लंबी जर्नी थी भाई, वो वाला वीडियो भी चेक करना। एंड आज इन्हीं के कहने पर हम लोग यहाँ पर आए। सो ब्रो, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस फेमस मॉस्क? मुनीर नो दिस प्लेस बेटर देन मी। या सो मुनीर ब्रो, टेल टेल। इट्स कॉल्ड रौजा। रौजा इट्स अ हिस्टोरिकल प्लेस, ऑल्सो बिलोंग टू Islam religion. Just it, bro. That's it. Some people say that it's the graveyard of Hazrat Ali, one of the most respectful people in Islam for Muslim people. Yes. तो भाई काफ़ी खूबसूरत मॉस्क है, हम लोग अंदर भी जाकर आए। ये जो टाइल्स वगैरह है ये पूरी ब्लू है और ब्लू ग्रीन, काफी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर कुछ सालों पहले फैक्ट्री भी थी वो टाइल्स वगैरह बनाने की, जो अभी बंद हो गई है आफ्टर द टॉक्टी रेजिम। बट मैं अंदर भी गया, काफी खूबसूरत था। मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि काफी लोग थे, प्रेयर वगैरह कर रहे थे, तो मुझे कम्फर्टेबल नहीं लगता मैं ऐसा बात कर रहा हूँ और कोई बाजू में प्रेयर वगैरह कर रहा है। तो चलो भाई, फिर हमने अंदर भी गए, मस्जिद के अंदर तो जाकर आए। ये सबसे हिस्टोरिक प्लेस है मज़ार शरीफ की, मज़ार शरीफ को इसी प्लेस से जाना जाता है। और अभी हम बाहर जाके थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। भाई इधर मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ यार, रास्ते पर ही थे। सलाम वालेकुम। सलाम, हाउ आर यू? हाउ आर यू ब्रो? हाउ आर यू? सलाम। एक्सचेंज करेंसी, एक्सचेंज रास्ते पर ही खड़े हैं और जो भी कार आ रही है सबको पूछ रहे हैं करेंसी एक्सचेंज कौन करेगा इसे? टूरिस्ट आए नहीं रहे तो अफगानिस्तानी है भाई, ये सब एक्सचेंजर्स हैं करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए। अरे हिंदी उर्दू आती है आपको? हिंदी उर्दू पाकिस्तानी को छोड़ेंगे नहीं बोले यार, लॉट ऑफ मनी मैन, मालदार पार्टी, पैसा ही पैसा, अफगान करेंसी, अफगान करेंसी लेके घूमना क्या? सबसे बड़ी नोट 1000 अफगान की होती है, 1000 अफगान इज द बिगेस्ट नोट। ओके भाई, 1000 अफगानी मतलब लगभग 900-800 इंडियन रुपीस के हिसाब से कन्वर्जन रेट वगैरह होगा। ओके 900-800, गुड बाय, एक रुपया 900 के भाई। कभी 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 लोग अचानक यहाँ पर हिंदी भी बोल देते हैं, कभी कभी अचानक थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल देते हैं। और ये देखो एक्सचेंजिंग चल रहा है भाई का गाड़ी में बैठे बैठे, बट काफ़ी सरप्राइजिंग कंट्री है यार। ये है भाई सिटी सेंटर मज़ार शरीफ, इनकी टैक्सी लग रही है ये वाइट और येलो सी, डाउनटाउन ये ऑटो लग रहे हैं, ऑटो इनके रेड है, भाई ग्रीन होते हैं, एक सेकंड ग्रीन येलो होते हैं शायद, एक सेकंड रुक, अच्छा ऑरेंज ऑटो भी है भाई। जब मैं गाड़ी से आ रहा था सिटी में एंट्री की तो उधर लिखा था डाउनटाउन मज़ार शरीफ,
बड़ा सही यार, फर्स्ट टाइम मैंने अमेरिकन कॉन्सेप्ट देखा। और ये है बाजार, सलाम। ब्लू ऑटो भी है मेरे ख्याल, कोई भी कलर कर सकते हैं। दिस इज लोकल मार्केट ऑफ मजार शरीफ। सही है भाई, छोटे बच्चे अगर अभी बैठ रहे। और ये क्या है? अफगानी समोसा। ये तो अफगानिस्तान का समोसा। ये क्या है? वड़ा पाव। क्या बोलते हैं इसका? गुलानी गुलाब। ये आके देखो, पकोड़ा है। पकोड़ा अफगानिस्तान का पकोड़ा। और ये सब अफगानिस्तान समोसे समोसा ये है। क्या फर्क है हिंदुस्तानी समोसा और अफगानिस्तान के समोसा? परवाने के मतलब यक शहीद सेम है। सेम है, अच्छा पड़े हैं मगर एक ही चीज है, एक ही चीज है। खा के देखो ना। ठीक हो? बस तो भाई पकोड़ा और समोसा। समोसा खाओ, आता हूं भाई थोड़ी देर बाद खाने के। ठीक है, ये ऊपर नो शुजा मेहमान है मोबाशी। शुक्रिया, तशक्कुर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। खा के तो देखना है, वो सब तो पड़े थे इधर। जैसे लोगों के चेहरे पर खुशी दिखने मिलती है। क्यों आप किधर से भाई? मजार शरीफ से। अच्छा, ये किसी से भी बात करते जा रहे रास्ते में। इधर भी वही है। सलाम समोसा। सलाम। ये और ये क्या है भाई? ये क्या है? व्हाट इज दिस? दुख लस्सी। लस्सी भाई अपने इंडिया में इसको लस्सी बोलते हैं। तो लस्सी है, लस्सी। अच्छा, गुड। ताज़ा लस्सी के साथ समोसा भी आती है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है भाई? ये मेरे को लेडीज के कपड़ों का ये दिख रहा है। तो भाई फिल्म का सलाम, कैसे हो भाई? क्या नाम है आपका? यहाँ पर अच्छा लगता है आपको? कौन बोल रहे थे जो उससे? फिलहाल पढ़ाई करते हो आप यहाँ पर? सही है, सही है। पढ़ाई के नाम पे भाग जाएगा। आप इंडिया से आए? तो भाई मैंने देखा है लोग काफी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं रिलीजियस टूरिज्म के लिए, दूसरे सिटीज से हो। तो एक मजार शरीफ काफी बड़ा रिलीजियस स्पॉट भी, हाँ देखने के लिए आता है। सही है भाई। सलाम भाई, कैसे हो? ठीक हो आप? नहीं मैं इंडिया का हूँ। इंडिया का? हिंदुस्तान का। नहीं ये तो यूट्यूब के लिए बना है। मैं अफगानिस्तान घूमने आया हूँ, दिखाना चाहता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को कि कितना खूबसूरत है। और अफगानिस्तान के लोग बड़ा प्यार करते हैं इंडिया से, दोस्त है। तोड़ेंगे दम मगर दोस्ती। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। बड़ा अच्छा लगा आपसे। मजार शरीफ के रहने वाला इंडिया वालों का हमारा सलाम। आप मजार शरीफ के बारे में कुछ बता दो। मजार शरीफ एक पुराना शहर है, तारीखी शहर है। जी जी, ये इस शहर की जैसा पूरा अफगानिस्तान में नहीं है। नहीं वो तो देखा, बड़ा खूबसूरत है। यस, पूरा अफगानिस्तान में ऐसा शहर नहीं है। ऐसा शहर नहीं है। और यहाँ के लोग भी अच्छे लोग हैं और आबादी भी सही है। जी, सब चीज अमनियत, हर चीज सही है, हर चीज एकदम बराबर है। नहीं चालू है वो, टेंशन मत लो। कैमरा बंद होता है इसलिए। बाजार शरीफ बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा शहर है, बड़ा पसंद आया मुझे। और एक दो दिन बच्चों को ज्यादा है। मैं तो ऑलरेडी मेरे दोस्त के घर पे रुक रहा हूँ, मैं उनका मेहमान हूँ। कुछ खिदमत हमारे लिए हो। भाइयों के लिए सलाम कहते हैं। शुक्र, थैंक यू। यार इतने अच्छे लोग हैं, यार इतने अच्छे लोग हैं। एक हमने किसी और की भी देखी थी, उसमें भी इतना अच्छा। वो इतने रेडी होते कि आप हमारे घर में आके रह लो, हमारे घर में आके खाना खाओ, इस टाइप से करते। मतलब इतना, मतलब प्यार, इतना जैसे कहते हैं ना आव भगत, मेरे ख्याल से वर्ड होता है वैसे। उन्होंने देखो, उन्होंने पूछा कहाँ, नहीं तो वो कह रहे हैं आओ। और उन्होंने कहा सब हिंदुस्तानी भाई बहन भाइयों को मेरा सलाम। और जैसे, और सबसे पहले देखना चाहिए, पहले उन्होंने लगता है पाकिस्तान से हो, और इतनी शक्ल में ना गुस्सा और उस टाइप से होता है।
और जैसे ही बोलते नहीं मैं इंडिया से या हिंदुस्तानी हूँ, उसी टाइम दे आर सो हैप्पी, इतनी खुशी उनके फेस पे होती है यार, कमाल है यार, फील इसको देख के इतना फील होता है प्राउड कि देखो हमारी कंट्री इतनी अच्छी, हम उस कंट्री से हैं कि वहाँ उसके बारे में सोच के हर इंसान को प्यार। देखिए इस फुटेज से पता लगता है कि उनकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है, उनके सब कुछ चल रहा है, सब कुछ कार्य चल रहे हैं अपने, मतलब जिस तरीके से मतलब कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि बंजर जगह नहीं है, बहुत बुरी हालत हो, काफी काफी पॉपुलेशन है, काफी ट्रैफिक नजर आ रहा है, मतलब उनकी इकॉनमी भी चल रही है, इकॉनमी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो इसीलिए तालिबान कहते थे कि हम अपने देश को संभाल लेंगे, पाकिस्तान को ये कहते थे तुम्हें जरूरत, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अपने देश को हम संभालेंगे, अपने देश को हम आगे लेके जाएंगे। तो जो भी है मतलब पॉइंट ये है कि उनका देश भी आगे बढ़ रहा है, इकॉनमी नज़र आ रही है, काम धाम हो रहा है, लेडीज भी नज़र आ रही थी वहाँ पे बाहर निकल के खरीद रही हैं। सो कुछ कुछ बातें जो पता चलती हैं वो शायद सही नहीं होंगी, बट यहाँ पे पता चल रहा है लाइफ इज गोइंग ऑन फाइन ओवर देयर। हाँ वैसी नहीं, उतनी फ्रीडम नहीं है, हाँ, क्योंकि ये भी कुछ घबराए ही घूमते हैं, पर लोग क्योंकि पता नहीं ना कि कौन कोई कुछ गलत ना हो जाए, पर लोग बड़े प्यारे, जो आम मतलब कॉमन मैन है वो बड़े प्यारे हैं यार, इतना प्यार, इनको बहुत टैक्ट पता है कि कैसे डेंजरस जगह पे जाकर कैसे बिंदास सबसे बातचीत करके सब अच्छा करना है। और बच्चे इतने प्यारे हैं यार, बच्चे यार सो क्यूट एंड सो स्वीट वहाँ के, और जिस तरह से प्यार मिल रहा है, जैसे ही इंडियन हो पहले उनको शक होता है पाकिस्तानी हो, मुझे तो लगा किसी ने बोल दिया पाकिस्तानी, उसका तो कोई पाकिस्तानी जाएगा भी ना तो ये बोलेगा हम इंडियन है, मुझे तो ये लग रहा है। अब काफी लोगों को हिंदी भी आती है, जो उनसे कोलैबोरेट कर रहे हैं उनको हिंदी आती है, कमाल है यार, प्यार देखो सबका कि भैया हिंदुस्तान, और ये तो गाना भी गाया ये दोस्ती वाला, क्या कमाल था देखो, दिस इज अमेजिंग, ये है यार, ये है प्यार एक दो कंट्रीज के बीच में। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।